नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजनीति अब कानूनी दांव पेच में उलझी हुई है और अब जो सबसे बड़ा सवाल वहां खड़ा हो गया है वो सवाल ये है कि गवर्नर बड़ा या चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट बड़ी। ये ठीक उसी तरह का सवाल है जैसे कि आप सवाल उठाएं कि राष्ट्रपति बड़ा या प्रधानमंत्री बड़ा, अधिकार क्षेत्रों की अगर बात करें तो। फिलहाल लब्बोलुबाब ये है वहाँ की राजनीति का कि जो गवर्नर हैं कलराज मिश्रा वो विधानसभा सत्र बुलाने के लिए समय चाहते हैं, जबकि अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाया जाए जिससे कि वो अपना बहुमत वहाँ पर साबित कर दें और उनकी सरकार कम से कम 6 माह के लिए और बच जाए, क्योंकि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में कम से कम 6 माह का गैप होना चाहिए। और इसलिए गवर्नर ऊपर वो फोर्स कर रहे हैं कि हमने जो कैबिनेट की अनुशंसा आपको भेजी है, कैबिनेट की जो रिकमेंडेशन है, आप उस पर डिसीजन लें और फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाएं। इस पर तकनीकी पहलू भी हैं, बहुत सारे जो विधि के जानकार हैं उनमें मत भिन्नता भी है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, लेकिन अधिकांश का ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला डिस्क्वालिफिकेशन वाला ना फंसा होता तो गवर्नर को सत्र तो बुलाना ही पड़ता और कानूनन रूप से गवर्नर बाउंड हैं कैबिनेट की बात को मानने के। वो किस तरीके से, दरअसल एक इस मामले में सबसे बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के 2016 के मामले का। वहाँ पर हुआ क्या था मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी वो खतरे में आ गई थी, उसके 20 बागी विधायक बीजेपी के साथ चले गए थे और वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने सेशन बुलाया था 16 जनवरी 2016 को, लेकिन इसके बाद जब वे विधायक कांग्रेस के बागी हो गए, बीजेपी के साथ चले गए और उन्होंने जो वहाँ के स्पीकर थे नबामा नेबिया उनसे मिलकर ये कहा कि भाई हम अब बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ नहीं हैं, और उसके बाद गवर्नर से मिलकर भी उन्होंने ये बात कही, तो गवर्नर ने सेशन 1 महीना पहले बुला लिया था, यानी कि 16 जनवरी 2016 के बजाय 16 दिसंबर 2015 को फिक्स कर दी थी इसकी डेट, कि जिससे कि फटाफट ये साबित हो जाए कि सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है। और इसके खिलाफ स्पीकर चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में और अंत में स्पीकर की जीत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि नहीं, जो निर्धारित समय है आप उसी समय पर आपको विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। इस उदाहरण को लेकर कांग्रेस के जो पक्षकार हैं राजस्थान के मामले में कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा है कि देखिए जो भी होगा लेकिन जो स्पीकर है उसकी बात मानी जानी चाहिए और जो विधानसभा के स्पीकर हैं सीपी जोशी राजस्थान के, वो पहले ही सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दे चुके हैं कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, इसलिए क्यों ना आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाए। और इसके अगेंस्ट मामला चल रहा है हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी उनके डिसीजन पर सीपी जोशी के, और सीपी जोशी इसके अगेंस्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि जलेबी पक गई है। अब जो विशेषज्ञ हैं उनका जो कहना है, उनकी मैंने जो राय आज देखी मीडिया के माध्यम से, तो सभी में कुल मिला के ये बात तो है ही कि कैबिनेट की बात अंत में उन्हें माननी होगी गवर्नर को, लेकिन आप प्रेशर नहीं बना सकते कि आप अभी बुलाएं, कल बुलाएं, परसों बुलाएं, जल्दीबाजी नहीं कर सकते, ये एक बात सभी विशेषज्ञों ने कही है। और उनका ये भी कहना है कि जब तक अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट क्लियर नहीं करती, जो कि सोमवार को करेगी, तो उससे पहले आप दबाव नहीं बना सकते कि सेशन की डेट फिक्स कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला क्लियर हो जाने के बाद ही आप सेशन बुला सकते हैं, उसके लिए आपको एजेंडा देना होगा। पहले अशोक गहलोत कह रहे थे कि हम बहुमत साबित करना चाहते हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि जब आपसे कोई बहुमत साबित करने के लिए नहीं कह रहा है तो आप बहुमत क्यों साबित करना चाहते हैं, जब आपके बागी विधायक जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हम कहीं नहीं गए हैं, तो आपको क्या जल्दी है बहुमत साबित करने की। और उन्होंने, अशोक गहलोत ने फटाफट कैबिनेट की 24 घंटे में 2 बैठक बुलाई और पहले प्रस्ताव भेजा बहुमत वाली कि हम आप सेशन बुलाइए, और फिर बाद में दूसरा प्रस्ताव ये भेज दिया कि कोविड की स्थिति को रिव्यू करने के लिए स्टेट में हमें सेशन बुलाना है। राज्यपाल ने उनके जो ड्राफ्टिंग है उसमें 6-7 कमियां भी निकाली कि भाई आप कह कुछ रहे हो और कर कुछ और रहे हो।
आप तरीके से आइए तो हम आपकी बात सुनेंगे। और बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी मिल लिया है गवर्नर से। उन्होंने कहा है कि देखिए साहब, राज्य में आतंक की स्थिति है, राजभवन में घुसकर विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप कुछ कीजिए। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनकी अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल गवर्नर से मिला। और फिलहाल स्थिति ये है कि सामान्य हालात में तो सही था कि आप ये कहें कि आप सेशन बुलाएं और सेशन की डेट फिक्स करें, लेकिन अब माहौल दूसरा है। कांग्रेस के कुछ विधायक ही आपसे असंतुष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में आप गवर्नर पर कैसे प्रेशर बना सकते हैं? दूसरी ओर अगर इसमें तकनीकी बातें देखें तो तकनीकी तौर पर कांग्रेस की सरकार अभी बहुमत में है वहाँ पर, और गवर्नर तब ही कैबिनेट के डिसीजन से अलग जा सकते हैं जब उन्हें लगे कि सरकार बहुमत खो रही है और उसे बहुमत दोबारा हासिल करना चाहिए। इसीलिए कलराज मिश्र के पक्ष में ये बात जा रही है गवर्नर के कि वो चाहें तो इसमें अभी समय ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी सरकार के जो बहुमत है उसको कोई संकट नहीं है। और दूसरी ओर कांग्रेस लगातार प्रेशर बना रही है, जिलों में धरना प्रदर्शन किए गए प्रेशर बनाने के लिए कि भाई नहीं, देखिए हमें सेशन नहीं बुलाने दिया जा रहा है, सेशन नहीं बुलाने दिए जा रहा है, हमें कोविड की स्थिति को रिव्यू करना है। इसके अलावा अशोक गहलोत ने, जो कि जादूगर माने जा रहे थे, अब तक लोग कह रहे थे कि जादूगर का बेटा जादूगर, लेकिन अब लगता है कि वो अपनी राजनीतिक जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें वो जीत गए तो ठीक है, जादूगर बन जाएंगे, वरना उनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी कांग्रेस में, ये तय मानिए। इसके बाद उनका कांग्रेस में कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो तमाम दबाव बना रहे हैं। उन्होंने ये भी धमकी दे दी जोश में कि हम प्रधानमंत्री के ऑफिस पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये सब चीज़ें शो कर रही हैं कि अशोक गहलोत नर्वस हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी उनके अगेंस्ट आए, और डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामले के बिना अगर वो सेशन में गए और वोटिंग हुआ तो उनकी सरकार गिर जाएगी। यही स्थिति, यही वजह है कि अशोक गहलोत अब अपने तमाम हथियार डाल चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, जो वो करना था मैक्सिमम कर चुके हैं, अब उनके सामने कोई दूसरा चारा नज़र नहीं आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही गवर्नर कोई डिसीजन लेंगे, ये तय है। और ये भी आप बाउंड नहीं कर सकते गवर्नर को कि आप हमारी मर्जी के अनुसार 3 दिन के अंदर ही सेशन बुलाइए, या 4 दिन के लिए, या 1 हफ्ते के अंदर ही बुलाइए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि गवर्नर इस ये बहाना नहीं मिला सकते कि कोविड का दौर है, विधायकों की सुरक्षा देखनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग देखनी होगी, ये बहाना गवर्नर नहीं कर सकते। ये काम सरकार का है, सरकार अपने आप करेगी। राजस्थान के बारे में हम बात करते रहेंगे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है, और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।